एक इंडिविजुअल केस है बोरा समाज का सर। मुंबई में एक ट्रस्ट है, 1944 में उस समय हाईकोर्ट ने सेटल कर दिया गया सर, उसका स्टेटस साफ करके रखा हुआ है। और आप लोग सब जानते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम, वो उसके आसपास वहां रहते थे और वो प्रॉपर्टी सेटल हो चुके हैं। और बाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया और एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का उसी जगह में लॉन्च किया गया है। और ऐसा समय में जो आदमी इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, गुजरात में किसी एक ने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ में वक्फ बोर्ड में कंप्लेन कर दिया और फिर वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया इस चीज को। अब आप सोचिए सर, जो आदमी ना वो शहर में रहता है, ना इतिहास में उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है, ना वो राज्य में रहता है, कहीं और का है और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लेन करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से इंटरफेयर करके डिस्टर्ब किया। आप सोच के देखिए, और वो कम्युनिटी के लोग जो हमसे मिलने आते हैं उसका दिल के अंदर में कितना दर्द होता होगा। मैं मिलने का समय में मुझे समझ में आ गया था कि ये इसका क्यों सॉल्यूशन नहीं हुआ। दूसरा सर, ये कल पार्लियामेंट के अंदर जो है वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट को लेकर एक बिल पेश हुआ। मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जो है उस बिल को पेश किया, बिल की मुखालिफत की गई, बिल के लिए बिल के फायदे बताए गए। इन सब चीजों के दरमियान जो है मिनिस्टर साहब ने जो है कहीं ना कहीं बोरी समाज के जो लोग हैं और खोजा समाज के जो लोग हैं इनका जिक्र किया, इनका तस्कीरा किया। अब ये बात जो है कहीं ना कहीं हमको सोचना और समझना चाहिए कि एसबीटी को लेकर जिस तरीके की बात की गई कि वो सबसे बड़ा जो है क्लस्टर डेवलपमेंट है, हम क्लस्टर डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर जो है वो सारी चीजें आती है उसके अंदर। जब क्लस्टर किसी एरिया का डेवलपमेंट होता है तो उसमें, क्योंकि मुंबई जो है, साउथ मुंबई जो है खसूसी तौर पर जो है वो एक अपनी शनाख्त रखता है, एक अपनी पहचान रखता है कि यहाँ पर जो है हर गली में हर मोहल्ले के अंदर जो है आपको मसाजिद मिलेगी और उस मसाजिद को फाइनेंशियली वो अपने खुद मुख्तारी पे रन करे। इस बुनियाद को देखते हुए उस वक्त के लोगों ने मस्जिदों को प्रॉपर्टी वक्फ की थी कि इसके जो रेवेन्यू है और जो इसकी इनकम है इससे जो है वो मस्जिद या वो ट्रस्ट चले, वो एक अपनी जगह पे बात है। लेकिन जिस तरीके से बोरी समाज को लेकर मंत्री साहब ने जो है कल पार्लियामेंट में बात की कि गुजरात का एक बंदा है जो वहां रहता भी नहीं है और वो कंप्लेन करता है और वक्फ बोर्ड जो है वो उस बुनियाद के ऊपर कहीं ना कहीं वो कार्रवाई होती है, हमको सोचना और समझना चाहिए कि जिस चीज के बारे में कंप्लेन की जा रही है क्या वो बोरी समाज की या बोरी समुदाय की वो प्रॉपर्टी है। हम जो है मुसाफिरखाने की मस्जिद के ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि क्यों उस चीज को लेकर पार्लियामेंट के अंदर जो है एसबीटी को लेकर बयान किया गया। हम जो है प्रिंस अली खान इस्माइलिया हॉस्पिटल के ताल्लुक से भी वक्फ बोर्ड में जो है नोटिस, एक एप्लीकेशन फाइल किए कि जो इसकी इंक्वायरी की जाए। ये सारी चीजों को देखते हुए एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो है एक तरफा बात हो रही है। हमारे एमएलए साहब जो है वो खुद जाकर जो है लेटर देकर उनसे टाइम लेते हैं मिनिस्टर साहब से, वो मौजू कुछ और बताते हैं और बात कुछ और हुई होगी, पता नहीं क्या मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस साजिश के अंदर जो है हमको पीसा जा रहा है, हम जो है इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह जो है हमारे वक्फ की, अवकाफ की जितनी प्रॉपर्टीज है